हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, कल रात को मैंने एक लाइव किया था। उस लाइव के अंदर मैंने निशांत मलकानी के ऊपर कुछ बातें बताई थी आपको, बट उस बात में से एक बात गलत निकला है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। बट उस एक बात के पीछे जो गलत निकली, उसके पीछे क्या बातें निकल कर आई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले कल के लाइव में मैंने क्या कहा था, तो 2.5 से 3 मिनट की एक बार ये क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एक्चुअल में और क्या सच्चाई सामने निकल कर आई है। तो एक बार देखो ये। अब देखो गाइस, मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। क्या नाम है इसका? नितेश। नितेश है क्या नाम है यार? पर मलकानी ऑन नेपोटिज्म, यही एनएस बंदे का नाम। अब देखो गाइस, आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, बहुत ही इजी बता रहा हूं आपको। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को दिख रहा है, कितनों को नहीं दिख रहा है। मैंने कुछ नहीं करा गाइस, मैंने सिंपल गया मैं और मैंने टाइप कर दिया भाई कि नितेश मलकानी का नेपोटिज्म के ऊपर क्या विचारधारा है। हो सकता है भाई कि प्राचीन काल के युग के अंदर बंदे ने कोई स्टेटमेंट दी हो अपनी भी, क्योंकि जैसे ही नेपोटिज्म वाला एक चीज आई बाहर, उसके बाद बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने लगे। हमने देखा यार, बहुत सारे टीवी एक्टर्स, बहुत सारे भाई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, सब लोग बाहर आए भाई, जो जो जिन जिनके ऊपर ये चीज हुई थी, उन्होंने सबने शेयर करा भाई कि नेपोटिज्म की वजह से हमको बहुत चीजें झेलने को मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या नितेश मलकानी उनमें से एक था कि जिसने शेयर करा हो कुछ ऐसा कि हाँ भाई मेरे को भी नेपोटिज्म की वजह से मेरे भी कुछ प्रोजेक्ट छूट गए थे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जाके लिखा नितेश मलकानी और नेपोटिज्म, तो पहले ही आर्टिकल खुल गया। और ये आर्टिकल ज्यादा पुराना नहीं है, ये आर्टिकल है आज से 5-4 दिन पुराना आर्टिकल है, 4 दिन पुराना आर्टिकल है ये। तेज पर आते हैं, निशांत पर आते हैं। देखो मैंने गलत स्पेलिंग पकड़ी, मगर गूगल ने सही पकड़ पढ़ के बता दिया अपने को। निशांत पहला ही देख लो, ये डेट देख सकते हो गाइस आप, ये डेट देख सकते हो आप यहाँ पे, 23 अक्टूबर 2020, मतलब कि आज से 4 दिन पुराना आर्टिकल है ये। 4 दिन पहले ही उसने बिग बॉस के घर के अंदर नेपोटिज्म के ऊपर अपने एक बयान दिया था, और उसने बताया था, देखो क्या बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ। बोले यार लोग कितने दोगले होते हैं, यार कितने दोगले होते हैं लोग, राज खुल जाते हैं। गाइस देख लो, हेडलाइन ही पढ़ लो आप, हेडलाइन से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, बाकी फुल आर्टिकल पढ़ना होगा तो आप जाके पढ़ लेना। निशांत सिंह ने माना कि उसको रिजेक्शन मिला नेपोटिज्म की वजह से, और फिर निशांत ने उस ऑडिशन के अंदर ये भी बोला कि भाई तुम ऑडिशन ही क्यों ले रहे हो, अगर तुमको नेपोटिज्म को ही लेना है तो क्यों ऑडिशन ले रहे हो। और भाई ये बंदा आज राहुल को गलत बता रहा है, हद हो गई यार, मतलब हद हो गई भाई, हद हो गई ये। तो गाइस जो भी मैंने अभी बोला सब कुछ सही था एकदम, बस गलत ये चीज मैंने बोल दी कि ये लाइव के अंदर हुआ था, ये लाइव के अंदर नहीं हुआ था। एक्चुअली में कंफ्यूजन ऐसे हुआ कि जब मैंने गूगल करी ये सब चीजें, तो ये सारी रिपोर्ट 3 दिन पहले की आ रही थी, तो मुझे लगा कि भाई 3 दिन पहले की आ रही है, इसका मतलब कि बिग बॉस में ही हुआ होगा, तभी ये सब आर्टिकल प्रिंट हुए। बट ऐसा नहीं था ऐसा, ये बिग बॉस के अंदर उसने किसी से डिस्कशन नहीं करा नेपोटिज्म के ऊपर। इस बंदे ने एक इंटरव्यू दिया था पिंक विला को, पिंक विला से तो आपको पता ही कि मेरा 36 का आंकड़ा है, तो भाई मैं उनकी क्लिप शेयर नहीं कर सकता, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। तो भाई ये पूरी की पूरी पीआर गेम है, पीआर गेम है जहाँ तक मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि अगर इंटरव्यू दिया गया था नितेश मलकानी ने, नितेश है क्या है जो भी है, मतलब मलकानी ने जो इंटरव्यू दिया था, अगर वो इंटरव्यू जब दिया जा रहा था पिंक विला को, और पिंक विला को ये नहीं पता था कि ये बंदा बिग बॉस में जाने वाला है, तो ये वाला इंटरव्यू तो वो पहले ही अपलोड कर देते। बट उन्होंने ऐसा नहीं करा, ये इंटरव्यू लेकर रख लिया उन लोगों ने, और जब मलकानी साहब हमारे बिग बॉस के अंदर आ गए और थोड़े से वीक दिखने लगे, तब उन लोगों ने इसी इंटरव्यू को 3 दिन पहले पब्लिश करा, पब्लिश मतलब कि यूट्यूब के ऊपर डाला, और इसको सीधा अपलोड भी नहीं किया, इसको लाइव चलाया गया, और लाइव के नीचे बंदे कमेंट कर रहे हैं अरे भाई ये तो बिग बॉस में है ना, तो ये इंटरव्यू कैसे दे रहा है। तो यार देखो, जिनको नहीं पता उनको बताया तो, क्या वीडियो को रिकॉर्ड करके भी लाइव चला सकते हो, सामने वाले को पता नहीं चलता कि ये मतलब लाइव चल रहा है या फिर ये रिकॉर्डेड। जो इंटरव्यू लेकर रख लिया, और पिंक विला को पता था कि ये बंदा बिग बॉस में जाने वाला है, और हमने इस वीडियो को तब यूज़ कर रहे हैं जब उनको मलकानी साहब थोड़ा सा वीक दिखे, तो नेपोटिज्म का सहारा लेके हम थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे जुटा लेंगे मलकानी साहब के लिए। तो 3 दिन पहले ही उन्होंने ये वीडियो को डाला है, अब जाओ जाकर देखो, जहाँ पे मलकानी साहब ये बता रहे हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर के बेटे ने
समझ रहे हो आप, म्यूजिक डायरेक्टर के बेटे ने बाजी मार दी थी नेपोटिज्म की वजह से, उनको निकाल दिया गया। तो नेपोटिज्म पे भाई का क्या कहना है जाकर जरूर देखो आप लोग, और आपको पता चल जाएगा कि भाई जो बंदा खुद नेपोटिज्म का शिकार है वो घर के अंदर राहुल वैद्य को ये कैसे कह सकता है, ए राहुल तू गलत बोल रहे नेपोटिज्म की बात। तो भाई जाकर देखो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।